पेट्रोल पंप है यंबो का एक, तो यहाँ पे सैंडविच वगैरह लेंगे अपने, तो लास्ट में ये सब चीज़ें चाहिए, फिर कॉफ़ी लेंगे और फिर बस में बैठ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी हमारे साथ एक मसला हो गया है, रेहान भाई, रेहान भाई ने हमें याद दिलाया है अभी कि ना आप अपना चार्जर की ना ये दे दो, और इत्तेफाक से ये है कि वहाँ पर बुफे में जब मैं सैंडविच वगैरह ले रहा था तो वो बैग मैंने वहाँ पर भूल गया ना, अभी इसको इनको याद आया, इन्होंने बोला मुझे चार्जर की वायर चाहिए, तो मुझे याद आया तो पता चला हम जो बैग हमारा जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट भी था और वॉलेट भी था सब, वो बैग मैं ना वहाँ भूल चुका हूँ, पता नहीं अब क्या होगा, बस देखते हैं, मैंने बोला है। I've been walking down this dark road, I'm just trying to find my way home। ये हमारे भाई जो हैं गेम खेल रहे मजे से, स्पाइडरमैन लगे रहो बेटा। ये एक बार हमने फिर स्टॉप कर लिया अलवजा के एरिए में, जो कि जॉर्डन से 5 घंटे की दूरी पे, तकरीबन 500 किलोमीटर दूर यहाँ से, 500 से 600 किलोमीटर दूर यहाँ से जॉर्डन है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये रेस्टोरेंट बना हुआ था सिर्फ, लेकिन अब 3 महीने बाद ये एक रेस्टोरेंट और बन गया जिसके अंदर फास्ट फूड मिलता है, ये एक सुपर मार्केट भी बन गई है, और यहाँ पर है शीशा क्लब कहवा, या आपको कहवा भी मिलती है और शीशा वगैरह जो लोग पीते हैं उनके लिए वहाँ शीशा भी मिलता है, यहाँ से हुक्का और शीशा वगैरह। बाकी ये एरिया है यहाँ का अलवजा का एरिया, बड़ा ही प्यारा ये, यहाँ पर हरियाली है अलवजा के एरिया में, इसके समंदर से करीब भी है बहुत ज़्यादा, ये यहाँ हरियाली भी माशाल्लाह बहुत है। ये बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, लास्ट टाइम आया था तो ये दो चीज़ें नहीं बनी हुई थी, सुपर मार्केट और फास्ट फूड रेस्टोरेंट, लास्ट 3 महीने पहले, और 3 महीने बाद ये बना दिया। ये देखें कराची में इस्लामिया कॉलेज के बाद एक दुनिया बनी हुई है और एक ये दुनिया बनी हुई है छोटी, यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पर 1 घंटे का ब्रेक है, 1 घंटे बाद इंशाल्लाह यहाँ से हम निकलेंगे जॉर्डन के लिए, 5 से 6 घंटे के अंदर हम जॉर्डन के बॉर्डर पे होंगे। जॉर्डन में आने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि जो वीज़ा होता है उसको रिन्यू कराना होता है यहाँ पर, विज़िट वीज़ा जिनका होता है वो हर 3 महीने बाद एक बार सऊदीया से एग्ज़िट होना पड़ता है, तो आप किसी भी बॉर्डर से भी एग्ज़िट हो सकते हो, या फिर आप जहाँ से जिस मुल्क से आप आए हो, मैं पाकिस्तान से आया तो 3 महीने बाद मुझे पाकिस्तान जा के वापस आना पड़ेगा, तो मुझे ये जॉर्डन का बॉर्डर करीब पड़ता है तो मैं जॉर्डन के बॉर्डर से रिन्यूअल करवा के वापस आ जाता हूँ अपना वीज़ा 3 महीने बाद का, बेसिकली वो एक साल का वीज़ा होता है हमारा विज़िट वीज़ा, लेकिन उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि हर 3 महीने बाद उसको वीज़ा रिन्यू करने के लिए आपको 3 महीने के लिए किसी ना किसी बॉर्डर से आपको एग्ज़िट और एंट्री करनी पड़ती है, मतलब मुल्क से बाहर निकलना पड़ता है एक बार, तो हमारे लिए करीब पड़ता है तो हम जॉर्डन चले जाते हैं। सिर्फ चाय लिए अभी, पेट तो हमारा भरा हुआ और खाने का सामान मेरे पास रखा हुआ भी है, एक मेरा जो पासपोर्ट है पीछे रह चुका है ना, वो पीछे वाले जो पेट्रोल पंप में हम लोग रुके थे उसमें, वहाँ पर मैंने बुफे के अंदर अपना पासपोर्ट वहीं सुपुर्द किया, तब वो पासपोर्ट वहीं पर है मेरा, मैं दुआ कर रहा हूँ कि दूसरी बस आ जाए, जिसको फ़ोन किया था पासपोर्ट तो मिल गया मुझे,
लेकिन वो दूसरी बस में। दुआ करें वो आ जाए, मुझे मेरा पासपोर्ट मिल जाए, उसकी बड़ी टेंशन लगी हुई। बॉर्डर जाना है और पासपोर्ट मेन चीज़ है, और वो मैं गलती में वहीं भूल गया जल्दी जल्दी। अल्लाह करे आ जाए बस। Can I get a hitch ride? Can I get a ride? Anything today? I don't wanna be alone. यहाँ पर हकल के इलाके में, जो के बॉर्डर के करीब है जॉर्डन के ना, मेरा पासपोर्ट जो है वो पीछे एक बस वाले हैं उनके पास आ रहे हैं। हमारे सारे जो बस के साथ लोग थे वो चले गए हैं, अब मैं इधर उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये भाई भी हमारे साथ हैं और हम लोग, जब वो बस आएगी 4 बजे तक, 1 घंटे बाद आएगी, फिर हम इंशाल्लाह बॉर्डर तक जाएंगे। जॉर्डन के अंदर वादी मूसा है और जॉर्डन के साथ ही एक और बॉर्डर लगता है इसराइल का, फलस्तीन का बॉर्डर। ये सारा सी साइड है, आपको सुबह इसका मंजर इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ वेट कर रहे हैं।